जनवरी जगह पाकिस्तान का पेशावर शहर। एक फिदायीन हमलावर आता है और 400 से ज्यादा नमाजियों के बीच आकर खुद को उड़ा लेता है। उसके बाद जो हुआ वो तस्वीर खुद बयां कर रही है। आतंक परस्त मुल्क पाकिस्तान की इससे ज्यादा भयावह तस्वीर शायद ही अब तक आपने कभी देखी होगी। पेशावर धमाके में 100 से ज्यादा लोग मारे गए। जो शव मलबे से बाहर निकाले गए उन्हें देखकर इंसानों की रूह कांप उठेगी। 200 से ज्यादा लोग इस आतंकी हमले में बुरी तरह जख्मी हुए। पाकिस्तान के पेशावर शहर के रेड जोन यानी पुलिस लाइन में मौजूद जिस मस्जिद में 30 जनवरी की दोपहर यह धमाका हुआ, करीब 400 लोगों की भीड़ मौजूद थी। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले एक जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ इंसानों के चीथड़े पड़े होते हैं। यह धमाका इतना तेज था कि कई किलोमीटर दूर तक लोग सहम उठे। लेकिन सबसे अहम सवाल वो ये कि आखिर आत्मघाती हमलावर ने पेशावर को ही क्यों चुना, क्योंकि यह हमला सिर्फ फिदायीन हमले से ही मुमकिन था। अब आपको इस हमले की इनसाइड स्टोरी समझाते हैं। बताया जा रहा है कि यह हमला पाकिस्तान के तालिबान कहे जाने वाले TTP यानी आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कराया था। दुनिया भर के देशों ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान के सामने आतंकवाद अब एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यह भी सच है कि इसका बीज बोने वाला भी खुद पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने जिन मुजाहिदों को तैयार किया वो आज खूंखार आतंकी बन चुके हैं, और न सिर्फ दूसरे देशों को बल्कि अपने ही मुल्क में लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। पेशावर धमाका इसका सबसे ताजा उदाहरण है। TTP ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान सेना के हाथों मारे गए कमांडर उमर खालिद खुरसानी की मौत का बदला लिया था। खुरसानी की मौत पिछले साल अगस्त 2022 में अफगानिस्तान में तब हुई थी जब उसकी गाड़ी को निशाना बनाया गया था। खुरसानी का नाम अमेरिका की मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में भी शामिल था। गौर करने वाली बात यह है कि आतंकी संगठन कश्मीर में भी एक्टिव था, यानी खुरसानी ने भारत के खिलाफ भी जिहाद छेड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अफगानिस्तान में भी खुरसानी ने कई आतंकी हमले कराए। बांग्लादेशी लेखिका और इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली तस्लीमा नसरीन ने पेशावर धमाके को लेकर ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तस्लीमा नसरीन ने कहा कि पाकिस्तानी मस्जिद में धमाका करने वाला आत्मघाती हमलावर या तो पाकिस्तानी तालिबान है या फिर पाकिस्तानी ISIS का सदस्य। उसने मानवता के खिलाफ यह जघन्य अपराध कैसे किया, क्योंकि उसका मानना था कि उसे जन्नत में 72 कुंवारियों के साथ अय्याशी का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान में जब इमरान सरकार थी तब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। उस वक्त बाजवा आर्मी चीफ थे। TTP ने अब अपने दहशतगर्दों को पूरे पाकिस्तान में आतंकी हमले करने का फरमान जारी कर दिया है। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि कैसे भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ जहां पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तालिबान के हमलों से करा उठा है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों में 91% तक हमले बढ़े हैं। सवाल है कि क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान बनने की राह पर है। वैसे TTP अफगानिस्तान के तालिबान से अलग है, लेकिन दोनों का मकसद एक ही है और वो है चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकना, यानी सीधे तख्ता पलट और कट्टर इस्लामिक कानून लागू करना।